फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रानीगांव फोर्ट। और आज हम आए हैं बीकानेर के रॉयल सेनेट ऑफ देवीकुंड सागर के अंदर। और ये जो अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पे छतरियाँ ही छतरियाँ चारों तरफ नज़र आ रही है, आप एक बार गौर कीजिए इन छतरियों के ऊपर, इन छतरियों की जो कलाकृतियाँ हैं इनके ऊपर गौर कीजिए और देखिए कि किस तरीके से ये जो आपका जो पूरा जो ग्रेवयार्ड जिसे अपन बोल सकते हैं, और जिस सेनेट ऑफ जो है वो किस तरीके से पूरा का पूरा बनाया हुआ है। ये रॉयल सेनेट ऑफ है, जहाँ पे दाह संस्कार होता है रॉयल फैमिलीज का, तो वो जगह है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जितने भी बीकानेर के जो रॉयल फैमिलीज थे, चाहे बीकानेर के प्रिंसेस हो, चाहे बीकानेर के किंग्स हो, क्वींस हो, जितने भी थे या प्रिंसेस जितने भी थी, उनकी सबकी यहाँ पे सबकी छतरियाँ वगैरह बनी हुई है। यहाँ पे मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको मुख्य रूप से दो प्रकार के आपको छतरियाँ मिलेगी। एक छतरी जो है वो संगमरमर के पत्थर से, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बनी हुई है। और इनके जस्ट पीछे जो कुछ पुरानी छतरियाँ हैं वो भी बनी हुई है, लेकिन वो लाल पत्थर से बनी हुई है। और आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो कारीगरी का जो अद्भुत नमूना है वो आपका मन मोह लेगा। यानी जैसे आप, अगर आप पर्सनली या अपनी फैमिली के साथ में जब भी कभी आपका बीकानेर आना हो, तो आप एक बार ज़रूर आप इस जगह का आनंद लीजिएगा, इस जगह पे एक बार आइएगा। आपको यहाँ पे आने का एक अद्भुत ही आपको नज़ारा मिलेगा। आपको एक मन में जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नई छतरियों का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं कुछ खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखेंगे गुम्बद के अंदर, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वॉल पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ये है कि आप अभी जो लेटेस्ट जो महाराजा थे गर्नी सिंह जी, जो ओलंपिक वगैरह में भी, जिन्होंने खेल के अंदर भी बीकानेर और भारत का दोनों का नाम रोशन किया था, कर्णी सिंह, जो डॉक्टर कर्णी सिंह जी ने, तो कर्णी सिंह जी की भी आपको छतरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं ये जो छतरी आपको जो दिख रही है यहाँ पे, जो तीन छतरियाँ जो आपको दिख रही है, ये आपको कर्णी सिंह जी की छतरियाँ देखने को मिलेगी, जो कि अभी वर्तमान में नए स्वरूप में है, नया स्वरूप इनको मिला है। क्योंकि ये जो छतरियाँ हैं वो काफ़ी पुराने समय की हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कर्णी सिंह जी की जो छतरियाँ हैं, शार्दुल सिंह जी की जो छतरियाँ हैं, ये बिल्कुल ही नए अंदाज में, नए डिज़ाइन में बनाई गई है, नई इनकी कलाकृतियाँ हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ कुछ छतरियाँ ऐसी भी हैं जिनके ऊपर केवल और केवल उनको आधा बना करके छोड़ा हुआ है, लेकिन उनका मतलब ये है कि वो आधा बना के छोड़ने का मतलब ये है कि वो छतरियाँ ऐसी हैं जो इनके राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे, और जो बच्चे अपने जन्म के समय ही ख़त्म हो जाते थे, जिनका स्वर्गवास हो जाता था, तो उनकी छतरियाँ हैं यहाँ पे। तो इन देख सकते हैं आप कि जैसे ये भाई साहब जी थी, या राम सिंह जी जो थे, उनका जन्म 30 जून 1898 को हुआ और स्वर्गवास भी 30 जून 1898 को हो गया। तो ये छतरियाँ जो है वो अर्ध निर्मित हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले यहाँ आने का, तो आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर इस जगह का लुत्फ उठाइएगा। इस जगह के बारे में एक चीज़ और है, यहाँ इस जगह का जो नाम है वो देवीकुंड सागर है। यानी कि इस जगह के जस्ट पीछे, जिन तो आप वॉल देख रहे हो, इस वॉल के जस्ट पीछे एक सागर बना हुआ है, देवीकुंड सागर जिसे बोला जाता है। वहाँ पे आपको अभी जलाशय है, एक प्राकृतिक जलाशय, पुराना जलाशय है वो, उस जलाशय के अंदर पानी वगैरह भरा हुआ रहता है। तो जब भी आपका आना हो तो यहाँ पे आइए, अपनी विरासत को देखिए, विरासत को देखने का आनंद लीजिए। और बस इतना ही आज के लिए, और जब भी आगे नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा अपना, जब नेक्स्ट कभी उदयपुर या जयपुर की छतरियों के बारे में आपको दिखाने का मौका मिला, तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो आपसे एक ही निवेदन है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी आपका यहाँ आने का मन हो, जब भी आप किसी शहर में जाएँ, तो उस शहर की जो पुरानी मोन्यूमेंट्स हैं, जो पुराने हिस्ट्रिकल जो जगह हैं, उस जगह का आप ज़रूर ज़रूर आनंद लें। उनको अपने लोगों को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं, अपने आने वाले बच्चों को, अपने संतानों को, अपनी पीढ़ियों को दिखाएं। थैंक यू।